ऑर्गेनिजम्स। ओके, थोड़ा सा पहले मैं अपने आप को पिन करूं, एक मिनट होल्ड करना। यस ओके, पहले डाउट ले लेते हैं। सर इन जिया का डाउट, उसके बाद किसी का भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ जिया। यस्टरडेज रिवीजन क्लास देयर वाज वन दिस क्वेश्चन दैट डैश इज क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, तो सर इसमें आंसर पॉलिएस्टर होगा, टेरिलीन होगा या फिर रेयन होगा? पॉलिएस्टर, सर मैम के टेरिलिन, पास जो वो आंसर था वो था टेरिलीन, जो गूगल हाँ पे मेरे को आंसर मिला था वो था पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर। और जो मैंने लिखा था वो था रेयन। रेयॉन तो नहीं होगा। सी बेसिकली क्या, रेयॉन जो है पहले जो यूज होता था वुडन पल्प के हिसाब से, हम आर्टिफिशियल सिल्क यूज करते थे। अभी कपड़े रेयॉन से बनते नहीं है, कपड़े अभी बनते हैं इसी से, पॉलिएस्टर से और टेरिलिन से। तो सर मेरी आप बुक में लिखा है ना ये रेयॉन इज मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक ड्रेसेस एप्रन्स मिक्स एंड मिक्स एक्सेप्ट। मिक्स 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 लिखा ना, मिक्स मिक्स करा ओके जाता सर, है ऐसे। तो टेरिलीन और कॉटन मिला के टेरी कॉट बनता है, मैंने दिखाया अभी था। यस सर, टेरिलीन और वुल मिला के टेरी वुल बनता है। थैंक तो ये सिंथेटिक को कॉम्बिनेशन करते हैं। तो इतना कंफ्यूज मत हो, ये कोई बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, इट इज जस्ट अ नॉर्मल क्वेश्चन। पॉलिएस्टर की शर्ट्स बनती हैं, टेरिलीन की शर्ट्स बनती हैं, ठीक है, और रेयॉन ओके की सर। शर्ट भी कॉटन के साथ मिला के बनती है। तो ये बहुत कोई हाई लेवल का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, इसको नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल की तरह लेना, ओके सर, ठीक है। लेकिन ऑल सर राइट, अगर हमारे पास आया कि पॉलिएस्टर है या टेरिलिन है तो उसमें क्या करूं फिर? वो मेरे को देखना पड़ेगा। विच इज मोर, कोई और वर्ड नहीं था उसमें, कुछ कोई और वर्ड नहीं था। सर वो फिल इन दी ब्लैंक्स था नहीं, एनी ड्रेस मटेरियल में कुछ लिखा था कि कंफर्टेबल समर टाइम सर, विंटर सिर्फ टाइम? ड्रेस मटेरियल लिखा था, मैम के पास था टेरिलिन और जो गूगल पे मिला था मुझे वो था पॉलिएस्टर, लेकिन सर पॉलिएस्टर में भी ना ये टेरिलिन और मैं बताता जो हूँ, टेरिलिन, एप्रन तो एग्जांपल है। टेरिलिन का कपड़ा ना बिल्कुल ही पतला होता है, बिल्कुल पतला सा होता है, और पॉलिएस्टर थोड़ा सा उससे थिक होता है। पॉलिएस्टर की शर्ट तो बहुत चलती है, टेरिलिन के सूट चलते हैं विमेन के, लेडीज के, वो बनवाती हैं। अब मेरे ख्याल से तो दोनों ही सही हैं, और जिसने वो क्वेश्चन बनाया हो सबसे बड़ा बेवकूफ तो वो बंदा है। ऐसे क्वेश्चन ओके कभी सर, बनाने चाहिए जिसमें कि डाउटफुल स्टूडेंट्स को डाउट आ जाए, जनरली आते नहीं ऐसे क्वेश्चन, पर शायद से गलत क्वेश्चन है, ठीक ओके है। सर, ओके गाइस, बिफोर आई गो अहेड विद द स्टार्ट विद द चैप्टर, एनी डाउट्स एनीवन? श्रीका गुड इवनिंग, नो डाउट्स गुड इवनिंग बिफोर वी स्टार्ट द सर। क्लास? या श्रीका, वी आर जस्ट स्टार्टिंग माइक्रो बायोलॉजी, सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर टू। हाँ एनीबॉडी, सर अभिनव, सर ये अभिनव सर गुड इवनिंग। अफगानिस्तान के सर क्राइसिस में सर यूएन क्या कर रहा है अभी? कुछ नहीं कर रहा यूएन, तो स्टैंप स्टैंप है ना, यूएन, यूएन के पास पावर नहीं है ना कुछ। यूएन डजंट हैव इट्स ओन ट्रूप, यूएन के पास कोई आर्मी नहीं है अपनी, वो कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ वही सर करता है जो कि अमेरिका बोलता है उसको। एक्चुअली एक्सक्यूज मैं, मी यूएन, यूएन के अंदर एक सिक्योरिटी काउंसिल है, किसी के ऊपर भी आपको जो मिलिट्री एक्शन करना है उसमें 5 लोगों की कंप्लीट एग्रीमेंट चाहिए, ऑल फाइव, ऑल फाइव यूनानिमस डिसीजन चाहिए। पांच पांच कौन कौन है? दोस फाइव आर यूएसए, रशिया, चाइना, जर्मनी एंड फ्रांस। अब मुझे एक का डाउट पड़ रहा है, यूके है के फ्रांस है, दोनों में से, ठीक है। तो 5 लोग हैं ये, इनको इनको बोलते हैं, इनको पास वीटो पावर होती है। लेट्स से यूएन, यूएन सेज कि भाई हम जाके वहां पे अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ाई करते, चलो ट्रूप भेज देते अपने मिलके सारे। चाइना बोलता नो, दैट डिसीजन कैन नॉट बी टेकन नाउ, एक बंदे ने मना कर दिया तो डिसीजन नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो कुछ नहीं कर सकता, और आने वाले टाइम में मेरे से सुन लो क्या होगा, मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं, आई एम मेकिंग अ प्रेडिक्शन, आई एम मेकिंग अ प्रेडिक्शन दैट वेरी सून यूएसए विल बी बैक इन अफगानिस्तान। शुरू शुरू में बोलेंगे हम अपने सोल्जर नहीं भेजेंगे, शुरू शुरू में बोलेंगे हम सिर्फ एयरफोर्स स्ट्राइक करेंगे, हम ड्रोन स्ट्राइक करेंगे। ड्रोन स्ट्राइक में वहां लोग मर रहे हैं, गरीब लोग मर रहे हैं, जो कि मासूम लोग हैं वो मर रहे हैं। तो फिर धीरे 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 अमेरिका को भी बाकी कंट्रियों के साथ मिलकर अफगानिस्तान में वापस आना पड़ेगा, समझे मेरी बात? अमेरिका आएगा वापस, छोड़ के गया है लेकिन वापस आएगा। अब ये बहुत डिफिकल्ट प्रेडिक्शन है, कोई भी बंदा रेडी नहीं है प्रेडिक्शन करने के लिए, बट आई एम मेकिंग प्रेडिक्शन, आई एम वेरी कन्विंस्ड दैट वेरी सोन अमेरिका विल बी बैक इन ऑस्ट्रेलिया, इन अफगानिस्तान। इनिशियली दे विल ट्राई टू फाइट विद ड्रोन एंड ऑल, एयर स्ट्राइक एंड ऑल, फाइनली दे विल हैव टू कम बैक एज सोल्जर्स। ओके, जैसे उन्होंने किया था 2006 में, 2006 में किया था। चलो शुरू करते हैं। ओके सर माइक्रो शिखा ऑर्गेन, है सर, क्या श्रीका? आई हैव अ डाउट या श्रीका गो अहेड। सर, व्हेनेवर अ टॉर्नेडो कम्स इट जस्ट पल्स एवरीथिंग,
But when we swing around the merry-go-round, it just pushes us away. So how does tornado pulls us? उसका reason तो मैं बताता हूँ. See, see, the tornado. How tornado is created is tornado or hurricane, all those things. ठीक है. How they are created, especially tornado. Tornado is land-based storm. So क्या होगा? ये area है, ये heat हो गया बहुत. तो यहाँ की सारी एयर ऊपर चली गई. श्रीका, आसपास पानी है या तो कुछ है, वो ठंडा है एरिया, तो वहां से अभी ऐसा है, वहां से एयर विल रशन. हाँ रवि, हाँ ठीक ठाक पहुंच गए थे. चल मैं ना क्लास में हूं अभी, तेरे से बाद में बात करता हूँ. ओके गाइज, सो So what will happen? The this so this is become a LP. इसको LP बोलते हैं. शिखा, low pressure बोलते हैं भाई इसको. LP, low pressure. क्योंकि इसकी air पूरी चली गई ऊपर, यहाँ pressure कम हो गया और यहाँ आसपास high pressure है HP. तो यहाँ से air आनी शुरू कर देगी इसके अंदर. Actually air directly ऐसे नहीं आती, थोड़ा सा because of various factor it starts circulating like this. And now more will come, and now more will come, more will come. So you very soon you will have a funnel like this. And the at the center of the funnel is a low pressure area, and other places it is high pressure area. Now it will start moving from one place to another. ये आ गया आपकी आपकी झोपड़ी के ऊपर, आ गया छत के ऊपर, आ गया. आप सो रहे थे अंदर छत के अंदर, ठीक है. यहाँ तो high pressure है, normal pressure है, ऊपर LP है. तो ये टिन की है ना, टिन की छत है, ये उड़ जाएगी. तो इसलिए ये ना सिर्फ टिन बल्कि बड़े बड़े पेड़ों को अपरूट कर देता है. बड़ा बड़ा पेड़ उखड़ जाते हैं इसकी वजह से. ट्रीज, कार, यू वुड हैव सीन कार्स फ्लाइंग. कार भी हवा में उड़ती मिलती है कई बार, इतना फोर्सफुल होता है. शिखा, ओके, ऑलराइट गाइस, लेट्स स्टार्ट. ओके, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, वंश वंश, कितने तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं अपने पास जो हम स्टडी करेंगे? हाँ वंश सर, मैं एक मिनट से पूछने दे. वंश वंश वंश, परम वीर फैबुलस, परम वीर शहनशाह पिक्चर कितने लोगों ने देखी? शहनशाह कह रहा हूं, शेरशाह. परमवीर, परमवीर चक्र मिलता है ना उसको, परमवीर. तो याद रखना अपने को पीवी फैब से, ठीक है. ओके, एक एक करके देख लेते हैं इनको. पहला होता है प्रोटोजोवा. प्रोटोजोवा एक अजीब सा बा है, और अमीबा आता है प्रोटोजोवा में, और इसके अलावा एक और आता है, इसकी वजह से डिसेंट्री होती है. डिसेंट्री सबको पता है ना, वो जो लूज मोशन लग जाते हैं, पूरी बॉडी से वाटर निकल जाता है. यह है प्रोटोजोआ. वी फॉर वायरस, वी फॉर वायरस, सबको पता ही है कोरोना का जो वायरस है, ये सब वायरस है, एड्स का वायरस है, ऑल दीज आर वायरसेस, COVID-19 वायरस. थर्डली फंगाई, इसका मेरे को एक बार पूछा था ऋत्विक ने, लास्ट ईयर पूछा था कि सर इसको फंगाई बोलते हैं कि फंजाई बोलते हैं. तो मैंने बोला था ये तो प्लूरल है, सिंगुलर क्या होता है? फंगस. फंगस तो इसको फंजस तो कोई नहीं बोलता. जब इसको फंजस नहीं बोलते, इसको फंजाई क्यों बोलेंगे हम? तो इसको 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 फंगस बोलते हैं, तो इसको फंगाई बोला जाएगा. ठीक है जिया, यस अर्शिया, ध्यान रखना है फंगस. ओके, थर्ड फंगाई. फंगाई कौन कौन सी है? जैसे कि जो लोग पिज्जा पे डाल के खाते हैं, क्या होता है वो? मशरूम. यीस्ट. मशरूम 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 जो है टाइप ऑफ फंगस है. फंगाई क्या करती है ये? इट इज अ सेप्रोफाइट बोलते हैं, सेप्रोफाइट. सेप्रोफाइट ये क्या करती है? जैसे नीचे कोई कूड़ा वूड़ा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर ग्रो करती है, उसके अंदर एंजाइम छोड़ेगी, एंजाइम्स. जैसे ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाती है, और उसको जो जो भी है यहाँ पे एंजाइम क्या करेंगे? डाइजेस्ट कर देंगे,
उसके बाद ये सक कर लेगी उसको, सक न्यूट्रिशंस। इसका इस तरह का प्रोसेस होता है। नाउ ए से हम लोग आते हैं एल्गी। कोई शायद से क्रिटिकर से एलजी तो नहीं बोलती, मुझे तो लगता कोई बोलती होगी, एल्गी बोलते इसको। एल्गी, एल्गी क्या मतलब होता है? काई। ऐसा कहा जाता है कि अर्थ पे लाइफ को लाने में इसका बड़ा रोल है एल्गी का। हालांकि आज की डेट में बहुत डेंजरस चीज है, साइंटिस्ट वार्न कर रहे हैं, बार बार वार्न करे जा रहे हैं कि हमें इसको रोकना पड़ेगा। हाउ डिड इट हेल्प अस? काई सबको पता है ना, जो पॉन्ड्स के ऊपर तैरती ही मिलती है, ग्रीन लेयर ऑन पॉन्ड्स, ग्रीन लेयर ऑन वाटर। एक्चुअली एक टाइप की एल्गी होती है, उसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, प्रोकैरियोट। ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। इसका काम क्या है? ये एक प्लांट है, प्लांट, और ये फोटोसिंथेसिस करता है। और क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है, तो दिस साइंटिस्ट, सम साइंटिस्ट बिलीव, मोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बिलीव दैट दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट वी हैव ऑक्सीजन ऑन अर्थ, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज अवेलेबल इन ऑन मेनी प्लैनेट्स। वीनस पे भी कार्बन डाइऑक्साइड है, आई थिंक उसके बाद जुपिटर, यूरेनस पे भी है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो है प्लैनेट्स पे, ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन हमें किसने दी? ऐसा माना जाता है हमें ऑक्सीजन देने में इस बंदे का बहुत रोल है, जो कि एल्गी है। एक्सक्यूज मी सर, इसी ने, हाँ एक मिनट, इसी ने सन की लाइट को यूज करके CO2 को ऑक्सीजन कन्वर्ट किया, और उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म आने, अर्थ पे पैदा होने शुरू हुए। या गो अहेड सर, इफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज एल्गी देन सर व्हाई इट्स अनदर नेम इज साइनोबैक्टीरिया? वो डॉक्टर क्या ना, कई बार क्या होता है शुरू शुरू में जैसे किसी ने रिसर्च करी होगी, किसी साइंटिस्ट ने देखा होगा कोई बैक्टीरिया टाइप का लगा होगा, उसने इसका नाम साइनोबैक्टीरिया रख दिया। तो कॉमन नेम एक चल पड़ता है और एक थोड़ा और साइंटिफिक नेम चल पड़ता है। ठीक है अर्णव, मुझे पता था ये क्वेश्चन आने वाला है। तो ये बेसिकली इसका नाम साइनोबैक्टीरिया भी है, बीजी भी है, ये इसी कहानी। सर कोई यूनिसेल्यूलर एलटी भी होती है? यही यूनिसेल्यूलर है, दिस इज यूनिसेल्यूलर। ओके सर, ऑलराइट, नाउ कम्स बैक्टीरिया, तभी तो इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालते हैं। बैक्टीरिया भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे फीड ऑन अदर क्रीचर्स एंड दे कॉज लॉट ऑफ डिजीजेस इन ह्यूमंस। जैसे कि अपना जो कॉमन कॉल्ड है वो भी वो तो वायरस की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, एंटी बैक्टीरियल वो लगाते हैं, ट्यूब लगाते हैं एंटी बैक्टीरियल। सर फूड पॉइजनिंग भी बैक्टीरिया की वजह से होती है? नहीं, फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया से हो सकती है, इट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। जैसे कि आपका खाना अपना खाया, उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया था वो बाद में, बट बहुत बार फूड पॉइजनिंग बिना किसी बैक्टीरिया के भी हो सकती है। सपोज खाने के अंदर देखो कई बार तो बहुत लोग बहुत ज्यादा खा लिया, पिज्जा खा गया, पेल दिया, बर्गर खा लिया, अब फिर वॉमिट आ जा रही है, उसको भी फूड पॉइजनिंग कहते हैं। उसमें गलत नहीं था खाना, बट ओवर हो गया, बॉडी कुड नॉट एक्सेप्ट इट, डाइजेस्ट इट, बॉडी के अंदर गया है, बॉडी को डाइजेस्ट तो करना पड़ेगा, बिकॉज अनडाइजेस्टेड फूड इज पॉइजनस फॉर अस, इट कैन नॉट रिमेन इन आवर बॉडी। टॉक्सिन्स आर केमिकल्स, टॉक्सिन्स केमिकल्स होते, वो बैक्टीरिया नहीं होते। टॉक्सिन्स आर हार्मफुल केमिकल्स, जैसे फ्यूम्स आ जाए, एसिड की फ्यूम्स आ जाए, वो सब टॉक्सिक होता है, दैट इज नॉट बैक्टीरिया, दैट इज नॉट अ लिविंग थिंग, इट इज अ केमिकल डेड। सर उसकी वजह से भी होती है ना फूड पॉइजनिंग? हाँ, अगर आपके फूड के अंदर कोई गलत चीज चली गई, समथिंग विच वॉज यू नॉट सपोज टू ईट, बहुत सारे, सही बात है, वो टॉक्सिन्स कुछ ऐसे होते हैं, अगर वो खाने के अंदर मिक्स हो गए, योर बॉडी विल थ्रो इट आउट। एक्चुअली आवर बॉडी को सिस्टम है, आवर बॉडी हैज अ सिस्टम इन विच इट सेंसेस इफ समथिंग पॉइजनस हैज कम, समथिंग ट्रबलसम हैज कम इन द बॉडी विच इज हार्मफुल, इट विल इमीडिएटली टेक इट आउट, प्यूक कर देगा उसको, वॉमिट कर देगा। चलो भैया अब जल्दी जल्दी से इसको हम कर लेते हैं, क्योंकि डिजीज जो है ना वो थोड़ा टाइम है। अच्छा एक तुम्हारा नाइट्रोजन साइकिल आ रहा है क्या? यस सर। ओके, तो इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल दोनों समझा रहा था। कार्बन साइकिल तो नहीं आ रहा? नो सर।
ओके राइट, नाइट्रोजन साइकिल यही कहीं कवर कर रहा हूँ कि अगर टाइम हो जाए कम से कम इंपॉर्टेंट पार्ट मैं कवर कर पाऊंगा, इसको तो कर रहे हैं वी आर कमिंग टू दिस नाउ। ओके सो गाइस, व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल? पहली बात तो साइकिल है तो गोल होगा, ऐसे करके राउंड होगा। सो लेट अस सी हाउ डज इट वर्क। इट वर्क्स लाइक दिस, वी हैव लॉट ऑफ नाइट्रोजन इन एयर बट वी कांट यूज इट, इट इज नॉट यूजफुल, मतलब वी मतलब प्लांट्स। सो एयर हैज गॉट 72% नाइट्रोजन, 78, बट प्लांट्स कांट एब्सॉर्ब इट डायरेक्टली। So what happens? So air, from air you have leguminous plants. Leguminous plants. कौन कौन से प्लांट्स है इसके अंदर? पल्सेज आते हैं, पल्सेज, पीज, बीन्स, योल प्लांट, सारी सारी पल्सेज आती है एक्सेप्ट अरहर की दाल। अरहर की दाल से नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता। ओके सो पल्सेस एक्सेप्ट अरहर, मैं लिख रहा हूं यहां पे, वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया में। तो होता क्या है लेग्यूमस प्लांट में, यहां नोड्स होते हैं, ऐसे नोड्स। इन नोड्स के अंदर एक बैक्टीरिया रहता है, उसका नाम है राइजोबियम। बैक्टीरियम सर आर के बाद एच आता है शायद से, हाँ जेड के बाद ना, सर आर के बाद एच, एच आर एच आई जेड ओ बी आई यू एम, ठीक है। सो नोड्स के अंदर कौन रहता है? राइजोबियम बैक्टीरियम। बैक्टीरियम मतलब एक बैक्टीरिया को बोलते हैं, मैं जानबूझ के बता रहा हूँ ताकि तुम लोग वर्ड से कंफ्यूज मत होना। बैक्टीरियम क्या होता है? बैक्टीरियम और प्लूरल होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरियम का काम क्या है? इट विल टेक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रेट्स। सो व्हाट डू इट डू? एयर नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स, दैट इज NO3 आयंस एंड नाइट्राइट आयंस जो NO2 होता है। ये क्या होते हैं? ये वाटर सोल्यूबल है, ये पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं। दीज आर वाटर सोल्यूबल। एंड गेट एब्सॉर्ब्ड बाय रूट्स, रूट से एब्जॉर्व हो जाते हैं, और रूट के अंदर एब्जॉर्व होके देन विल गो टू द प्लांट। सो दिस विल गो टू प्लांट नाउ, प्लांट विल यूज दिस फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। इसलिए बोलते हैं भाई दाल खाओ बच्चों, दाल खाओ, क्योंकि आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है, प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। हाँ जी मैम, मैं क्लास चल रही है मैम अभी। मैम एक्चुअली मैं बताता हूँ, शुरू हुआ था सुबह ना, मैं हैड गॉन समवेयर एंड आई गॉट स्टक समवेयर, बट लकीली आई रीच बैक इन टाइम, सो आई हैड पुट द मैसेज क्लास इज ऑन टाइम। दिस हैपेंड विद ऑल द बैचेस, ये सारे बैचेस के साथ हुआ था। मैम मैं क्लास का रिकॉर्डिंग भेजूंगा, उसको बोलो रिवाइज करेगा, बहुत अच्छा चैप्टर किया आज हमने। किसकी मैम? साइंस की मैम, मैं इस क्लास में मिलके तभी बता पाऊंगा। है कब साइंस का एग्जाम इनका? ठीक है, मैं कल आई डिस्कस विद हिम टुमारो। वी हैव एक्स्ट्रा क्लास आल्सो टुमारो, ही हैज स्कूल। ठीक है, ओके मैम, वीडियो
ठीक है जी, आई विल डिस्कस विद हिम। ओके ओके राइट गाइस, सो प्लांट विल यूज दिस फॉर मेकिंग प्रोटीन। नाउ एज यू आर अवेयर आवर एंटायर बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ऑल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, एंड प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से बनता है। अमीनो एसिड किससे बनते हैं भैया? नाइट्रोजन, जिनका नाम ही अमीनो है। नो, नाइट्रोजन से बनते हैं। सो अच्छा प्लांट ने बना लिया, अपनी बॉडी बना ली और अपना फ्रूट फ्रंट बना लिए, दाल बना ली इसने, दाल बंदे ने, वो दाल हमने खा ली दोस्तों। अब ह्यूमंस ईट इट, ह्यूमंस ईट प्लांट प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन। नाउ टू थिंग्स विल हैपन, ह्यूमंस एंड सॉरी एनिमल्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस ईट प्लांट प्रोटीन। तो प्रोटीन उनके पास चला गया, उनकी बॉडी में चला गया। सम एनिमल्स ईटन बाय ह्यूमंस। हेलो, अल्फा वन में है तो आ जाएगा ऑर्डर, डिलीवरी कर देगा। वैसे तो अल्फा वन से भी ला सकता तुम, ज्यादा दूर नहीं अल्फा वन, अभी टाइम है ना क्लास के बाद, टाइम है अभी क्लास के बाद डिस्कस करते। सम एनिमल ईटन बाय ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। तो सपोज करो डियर ने खाया प्लांट प्रोटीन, और डियर को एनिमल ने खा लिया या ह्यूमन ने खा लिया, एनिमल्स डाई एंड ह्यूमंस ऑल्सो डाई, एनिमल्स डाई। नाउ गाइज वेरी सरप्राइजिंग थिंग, यहां एक बैक्टीरिया काम कर रहा है जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहा है, और यहां एक बैक्टीरिया काम करेगा जो कि नाइट्रेट और नाइट्रोजन को अमोनिया को और यूरिया को, जिससे जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है, कन्वर्ट। ओके राइट, बैक्टीरिया कन्वर्ट्स एनिमल बॉडी टू नाइट्रोजन, यह समझ आ रहा है? Yes. And the nitrogen is released to the air, back to air. Nitrogen back to air. So this cycle goes on. Once again, I will just to tell you the steps. So first step, you can say air has got nitrogen. The rhizobium bacterium available in leguminous plants will convert this into nitrate and nitrite. This will get dissolved into water. Plants will suck it. Plants will use it, and it gets absorbed by plants. Plants will use it to make protein, amino acids. Part 4. Part 5, animals and humans will eat that protein. Part 6, some animals will be eaten by humans and or other animals. Those animals or humans will die. And there are bacteria in the soil which will convert this animal body to nitrogen. It is back. This is the nitrogen cycle. Bahut important question aayega exam mein, jahan tak jyada tar aata hai. Yeah. Yes. Okay, guys. Chalo, main the notes share kar raha hu. We'll get on with the notes. Yes. Any doubts so far? Ritvik Tavri, Ritvik Chandel, Prabgun, Tasmiya, bhai batao. No doubt, sir. कोई डाउट अगर यहाँ तक? नो डाउट, नो डाउट, ओके, नो डाउट, ओके। मैं शेयर करूंगा नोट्स अभी सारे अलग अलग, तो अर्श क्या जिया ध्यान से पढ़ लेना है, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ओके देखो मैं सारा नहीं मतलब सारा नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ाऊंगा, वेट करो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कैन नॉट बी सीन, चलो शुरुआत तो करें। एक मिनट अभिनव, आई स्टार्ट विद यू अभिनव, या अभिनव गो अहेड, चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, फो का मतलब होता है एनिमी, दुश्मन। या अभिनव
Okay, now you can't see the notes. No, sir. अरे शेयर तो हो रहे हैं. ओके लेट मी सी हु एल्स कैन यू सी. ऋत्विक चंदेल कैन यू सी द नोट्स. हाँ ऋत्विक आप पढ़ना शुरू करो. अभिनव मेरे को लग रहा तेरा उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है. एनीवे आई विल गिव यू चांस नेटवर्क की वजह से. हाँ पढ़े ऋत्विक चंदेल. ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द The grayish white patches on a moist bread during rainy season on observation through a magnifying glass show tiny black rounded structures called fungi. These are microbes. These microorganisms are so small as 10 sir aapka mic nahi. हाँ 10^-6 मीटर है वो. नैनोमीटर नहीं है यानी कि वो नैनोमीटर के साइज के होते हैं. ये कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को. 10^-6 आप मान के चलो इसको माइक्रोमीटर बोलते हैं. सम ऑफ दीज सच एज फंगस ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद अ विद मैग्नीफाइंग ग्लास while others need a microscope or for their observation. The study of microorganisms is called microbiology. Anton von Leeuwenhoek is regarded as the father of microbiology. किसी को साल याद है जब उसने पॉन्ड के अंदर लाइव वो देखी थी जो फिशिंग करने गया था वो वैन लेके हुक 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 डाल रहा था. किसी याद है ईयर 1860 आई थिंक 1864 1855 में तो सेल ढूंढा था अपने भाई ने इसने रॉबर्ट हुकी ने और दूसरा हुकी लेके गया था हुक लेके गया था पॉन्ड में. सर 1665 में ढूंढा था. 1664 सर 5 मुझे तो 4 याद आ रहा है यार. 1664 1655 में वो ओके हो सकता है 55. ऑलराइट सो बेसिकली मैं आई जस्ट वांटेड टू गेट योर ब्रेन देयर जो सेल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था सेल थ्योरी वगैरह सब. तो वहां से उस बंदे ने पहली बार लिविंग टिश्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे थे और क्योंकि रॉबर्ट हुक ने देखा था वो डेड था डेड सेल थी इसलिए इसको फादर बोल दिया गया. याद रहेगा. ओके ऋत्विक थोड़ा सा और पढ़े. मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी यूनिसेल्युलर सिंगल सेल्ड और मल्टीसेल्युलर मेनी सेल्ड. दीज आर क्लासिफाइड इनटू मेजर ग्रुप्स एज डिस्क्राइब बिलो. ओके तो पहला है बैक्टीरिया. हाँ दीज आर सिंपलेस्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैविंग रिजिड सेल वॉल लाइक plant cells. Based on their shape, bacteria are of four types, i.e. bacillus, rod-shaped, coccous, spherical-shaped, spirillum, spiral-shaped, and vibrio, comma-shaped. Example lactobacillus rhizobium. Okay guys ek cheez diseases like typhoid and tuberculosis are caused by bacteria dhyan rakhenge isko. ha bacteria ek aisi cheez hai jo ki hamare liye bahut good bhi hai hamare liye bahut useful friend bhi hai. bacteria kaise jo dahi banti hai doodh se usko kon banata hai lactobacillus theek hai. dusra hamari body ke andar bahut sare good bacteria इसलिए बोलते हैं वो आजकल एक योकुट करके चला था बीच में ड्रिंक गुड बैक्टीरिया फॉर योर गट
वो गुड बैक्टीरिया डज अस गुड। इनफैक्ट बैक्टीरिया हमारे स्टमक में बहुत ज्यादा होते हैं, जो हमारा ह्यूमन एक्सक्रेटा होता है जो पॉटी करते लोग, उसमें अराउंड 30% इज टोटली बैक्टीरिया। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ डाइजेशन प्रोसेस बैक्टीरिया। राइट नाउ लेट अस सी, अर्नव आप यहां से कंटिन्यू करें। फंगाई, यस सर, फंगाई, इट इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड डू नॉट फोटोसिंथेसाइज, दस आर हेटरोट्रॉफ्स, एग्जांपल यीस्ट, पेनिसिलियम, एस्परगिलस एंड राइजोपस, ब्रेड मोल्ड। फंगाई मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ओके, टाइम कम है नहीं तो मैं बोर्ड पर समझाता। देखो फंगाई अपना खाना नहीं बनाता, तो खाना नहीं बनाता तो किसके साथ जाके अपना वो करता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके साथ करता है? एल्गी के साथ करता है। एल्गी एल्गी खाना बनाती है, फोटोसिंथेसिस करती है, फंगाई नहीं बनाता। तो फंगाई क्या करता है? फंगाई इसको सपोर्ट देता है, उसको रहने की जगह देता है। एक सिम्बायोटिक राइजोबियम भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। मैं एक ये समझा देता हूं, आई थिंक दिस इज वर्थ दिया ध्यान देना सब लोग। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? लेट्स सी। सो सिम्बायोटिक रिलेशन, इसका मतलब होता है म्यूचुअली बेनिफिशियल, म्यूचुअली बेनिफिशियल। एक दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। पहला इसका एग्जांपल आता है फंगई प्लस एल्गी। एल्गी क्या करता है? खाना बनाता है और इसको प्रोवाइड करता है। एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है। और फूड देता है इसको। फंगई क्या करता है? इसको सपोर्ट देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, न्यूट्रिएंट्स। आपने एक वर्ड सुना होगा, इसको बोलते हैं लाइकन्स। यस लाइकन्स जो है LICHENS, लाइकन्स जो है सिम्बायोटिक रिलेशन के साथ, ये दोनों है फंगाई और एल्गी। एक खाना बनाता है, दूसरा उसको सपोर्ट देता है। दूसरा इनका एग्जांपल आता है ये जो मैंने वहां पर दिया था आपको, लेगुमस ट्री, लेगुमस प्लांट्स, लेगुमस प्लांट्स। ये क्या कर रहे हैं? उसको रहने की जगह दे रहे हैं, नोड दे रहे हैं। किसको? राइजोबियम को। राइजोबियम इनको क्या दे रहा है? राइजोबियम इनको देता है नाइट्रोजन। और ये लेगुमस प्लांट इसको क्या दे रहे हैं? इसको इसको देते हैं शेल्टर प्लस फूड। सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट सिम्बायोटिक रिलेशंस फ्रॉम दिस चैप्टर, जनरली एग्जाम में आता है। अर्नव आप कंटिन्यू करें, प्रोटोजोआ। अच्छा दोस्तों एक बात ध्यान रखना प्लीज, ये जो है ना बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज अवेलेबल इन बैक्टीरिया। सेल वॉल क्यों बनी थी मैं बता देता हूँ। जो हमारे अर्ली ऑर्गेनिज्म थे वो प्लांट के अंदर रहते थे, वो वाटर के अंदर रहते थे, सी वाटर में। सो किसकी बात करूं? सेल वॉल की। सेल वॉल एनिमल सेल्स में, एनिमल्स में नहीं होती, सिर्फ प्लांट्स में होती। तो क्या होता था, ये प्लांट सेल है और इसके अंदर जो भी क्या क्या हम बोलते थे उसको, सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का जो डेंसिटी है, जिस उसका जो स्ट्रेंथ है सॉल्यूशन का, वो ज्यादा है और बाहर वाटर में कम है वाटर। तो एज ए रिजल्ट क्या होना शुरू हुआ, पानी अंदर घुस जाता है, जो 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 ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस है, हाइपोटोनिक आइसोटोनिक हाइपरटोनिक वाला, तो वाटर अंदर घुस रहा है। अब वाटर घुसने से ये बस्ट होने के चांसेस रहते थे, इसके बस्ट हो जाएगी। तो अगर ये बस्ट ना हो तो इसके चारों तरफ एक डेड मटेरियल का एक सेल वॉल होता था जो कि इफेक्ट नहीं होता, सेल वॉल इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, सेल वॉल प्रिवेंट्स बस्टिंग।
बस्टिंग। अब सेल वॉल है तो इसको प्रोटेक्शन आ गया, या अगर इसके अंदर ज्यादा पानी चला भी गया तो यहां से प्रोटेक्ट करेगा, उसको फट नहीं देगा। तो इसीलिए एनिमल सेल्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, एवोल्यूशन में वो अलग हट गई, लेकिन प्लांट्स के अंदर अभी भी सेल वॉल चालू है। तो बैक्टीरिया हैज गॉट ए सेल वॉल। ओके नेक्स्ट, हाँ प्रोटोजोआ पढ़े। सर कैन यू प्लीज शेयर द स्क्रीन? या ओके गो अहेड प्रोटोजोआ। दिख रहा है? यस सर। प्रोटोजोआ, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। दे कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम। डिजीजेस लाइक डायसेंटरी एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स। ओके, सो मैंने बताया अमीबा एक प्रोटोजोआ है, और साथ में एक पैरामीशियम याद रखना। पैरागॉन की चप्पल का एक ऐड आता है, किसी ने देखा पैरागॉन की चप्पल है? यस सर। देखो चप्पल जैसी शेप है इसकी, और इसका नाम भी पैरा है, तो इससे आपने को क्लिक करने का चाहिए। प्रोटोजोआ में पैरामीशियम और अमीबा दो एग्जांपल्स हैं। और ये एनिमल है, ये एनिमल सेल्स है, एनिमल लाइक है, एज एज कंपेयर टू बैक्टीरिया विच इज गॉट सेल वॉल एंड हैज बिहेवियर लाइक प्लांट्स। ऐसे फंगई और एल्गी भी प्लांट सेल है। ओके, स्पायरोगैरा नहीं है, लेकिन हाँ स्पायरोगैरा नहीं है। ऑल राइट, अर्णव के बाद एक मिनट होल्ड करना, लेट मी जस्ट चेक होल्ड इट। अर्शिया कंटिन्यू प्लीज, कंटिन्यू विद एल्गी। Yes, sir. Algae. It is a large group of simple plant-like organisms, but they have no roots, stems, or leaves. They can be unicellular or multicellular. They are photoautotrophs. Example: Chelomydomanos and Spirogyra. Okay. ठीक है गाइस, ओके। फोटो ऑटोट्रॉफ क्या होता है? ऑटोट्रॉफ है, खाना खुद बनाते हैं, लेकिन ऑटोट्रॉफ के अंदर दो क्वांटिटी होती है, फोटो फोटोसिंथेसिस करने वाले, और दूसरा होता क्या क्या वर्ड बताया था मैंने, कीमोसिंथेसिस करने वाले, कीमोसिंथेसिस। तो ये कीमोसिंथेसिस नहीं करते, केमिकल सिंथेसिस नहीं करते, फोटो यानी कि लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं। राइट, कंटिन्यू करें अर्शिया। नेक्स्ट इज वायरसेस। These are also microscopic organisms which reproduce only inside the cell of the host organism. Common ailments like cold, influenza, flu, and most coughs are caused by virus. Serious diseases like polio and chickenpox are also caused by virus. और अभी COVID-19 आ गया, इसके जुड़ गया। Okay, habitat. Okay, habitat छोड़ देते हैं, कोई कहीं रहता, चलो okay। अच्छा पढ़ दे फटाफट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, कहाँ रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड ओवर द एंटायर बायोस्फीयर इन सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एटसेट्रा। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी हाई डिग्री ऑफ अडैप्टेबिलिटी एज दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मैशी लैंड। During unfavorable conditions of temperature and water, they form a hard, tough covering called crest around them. Cyst, pronunciation is cyst. Cyst मतलब अपने चारों तरफ एक बड़ी hard covering, एक protection type की बना लेते हैं। Cyst में दिखाता तुम लोगों को, लेकिन अभी आज थोड़ा time कम है, बाद में ऐसे पूछ लेना, note कर लो ये, या सिया note कर लो, कहीं जिया कहीं भी note कर लो, मुझे बता, cyst अगली बार समझा दूंगा detail में, आज थोड़ा time कम है, इसका exam कर। हाँ, on return of favorable conditions, they emerge out of the crest and continue their life cycles. Some grow on other organisms while others exist freely. Microorganisms like amoeba can live alone while bacteria and fungi will live in colonies. Okay, theek hai Arsha, Jia aap continue karenge abhi. Okay, microorganisms around us, padhte jaldi. Microorganisms and us. Microorganisms play an important role in our lives. We all know that a large number of diseases are caused by microorganisms. But you will be surprised to see that they are more useful and friendly to man than they are harmful. Okay. So basically, apne paas kya kya teen char friendliness ke kya kya example hai? Friendliness ka dekho sabse bada example hota hai curd bata diya maine tumhe.
कर्ड बताया पहला, दूसरा बताया ये जो डो बनती है ना बेक करते, जब आप बेक करते हैं तो उसके अंदर यूज होता है वो, बेकिंग बेकिंग में ईस्ट डालते हैं बेकिंग में, टेंडराइजेशन ऑफ मीट, टेंडराइजेशन ऑफ मीट, ओके ये हो गया। उसके अलावा चीज, चीज में भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प मिलती है, उसको जो खट्टापन आता है हल्का सा, उसके अंदर होल आ जाते हैं, वो होल कहां से निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसमें से। ओके इस पार्ट को हम फिर थोड़ा छोड़ देंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, तो इसको छोड़ देते हैं। कर्ड पढ़ ले रहा है इसको, कर्ड डो, डो होता है जो आटा गुथा हुआ आटा, उसको डो बोलते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसकी वजह से वहां पे, आपके ब्रेड के अंदर होल कहां से आते हैं, उसकी वजह से आते हैं, ईस्ट की वजह से आते हैं, और वो जब हम बेक कर देंगे तो सारे सारे वो मर जाते हैं, लिविंग नहीं है, नहीं तो आप खा नहीं सकते उसको, वो आटा खट्टा होता है, आप खा नहीं पाओगे उसको, तो इसलिए उसको बेक करना पड़ता है। चीज हो गया, ठीक है भैया। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, अल्कोहल जो दारू बनती है, वो दारू जो बनती है या वाइन बनती है उसके अंदर फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली, जैसे शुगर केन का जूस है या फिर ग्रेप का जूस है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोसेसिंग करते हैं एंड दैट इज कन्वर्टेड, दे चेंज द ग्लूकोज फॉर्म, ग्लूकोज फ्रॉम वन फॉर्म इज चेंज इनटू अनदर फॉर्म ऑफ अल्कोहल। या ओके ये नोट पढ़ देना एक बार जरा, चलो ठीक है इसको जी कंटिन्यू करना। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल्स, वाइन एंड एसिटिक एसिड। The process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation. Louis Pasteur discovered fermentation in 1857. Yeast is also used for commercial production of alcohol and wine. The sugar for making alcohol comes from grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juices, etc. Fermentation is done by the action on yeast on the sugar is called चाइनीज वाला जो चाइनीज खाने में डलता है, बट एक देसी सिरका भी आता है विच इज विच पीपल मेक बाय दिस प्रोसेस इन द विलेजेस। ओके ये भी पढ़ना, एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया, एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया आर एडेड टू अल्कोहल टू कन्वर्ट इनटू एसिटिक एसिड और विनेगर। Probiotics are live ingested microorganisms that are associated with beneficial effects to humans and other animals. Example, lactic acid bacteria, LAB, from curd cause immune enhancement and prevent intestinal disorders. अच्छा होता है दही खाना, अच्छा होता है शरीर के लिए, ऐसे बोलते हैं हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अच्छा दोस्तों उसके बाद एक और बात ध्यान रखना कि जितने भी हमारी पेंसिलिन और एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन बनते हैं ना, ये इन्हीं से बनते हैं, इन्हीं से बनते हैं, इन्हीं को साइंटिस्ट निकालते हैं, उसको कुछ उसके अंदर चेंज करते हैं एंड दे बिकम एंटीबायोटिक। ओके कहाँ जिया ने पढ़ लिया, जिया के बाद अर्णव ने पढ़ लिया, प्रभुगुन आप पढ़े थोड़ा सा आगे। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, medicinal use of microorganisms. The sources of antibiotic medicines and vaccines are microorganisms. The details of antibiotic medicines and vaccines are given below. First, antibiotics, the medicines which are used to kill or stop the growth of a disease causing microorganisms are known as antibiotics. These are tablets, capsules or injections which are the products of microorganisms, mainly bacteria and fungi. Example, penicillin, पेंसिलिन पहले बहुत चलती थी, इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर वन के बाद आई थिंक एडवर्ड जेनर कब किया था इसकी खोज, 1929 आई थिंक, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत लोग मरे थे, साइंटिस्ट ने बहुत काम किया था इस पे, बहुत लोग इन्फेक्शन से मर गए, मतलब कट तो छोटा सा लगा बट इतना इन्फेक्शन हो गया तो बंदा मर गया, उसका हाथ काटना पड़ गया, तो साइंटिस्ट ने बड़ा काम किया उस पर, पेंसिलिन बनाई गई, पेंसिलिन से क्या होता फिर वो इन्फेक्शन रुक जाता था। सर पेनिसिलिन उसने सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया 1929, ठीक ऑलराइट। सो उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर बहुत लोगों की जान बचाई, ये रहा यह आ गया। प्रभुगुन पढ़ना जरा, दीज आर मैन्युफैक्चर्ड, हां These are okay. manufactured by growing
स्पेसिफिक मैं माइक्रो बड़ा कर दो, एक ऑर्गेनिज्म मिनट होल्ड करना। हाँ बस ठीक, वो कटा हुआ साइड थोड़ा। हाँ एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी वैरायटी ऑफ वैरायटी ऑफ डिजीजेस। ओके छोड़ दे इसको 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 मैं पढ़ देता हूँ। एंटीबायोटिक्स आर मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक उनके आपकी बर्ड्स को भी एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, काउज को दिए जाते हैं एंटीबायोटिक ताकि उनके अंदर इन्फेक्शन ना फैले। पेंसिलिन द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड एलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929। The observed presence of a mold prevented the growth of bacteria. In fact, it killed many of the bacteria. So, उसने isolate करके इसको बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, antibiotic का ही तो फालतू है कि ज़्यादा मत खाओ, बिना डॉक्टर के मत खाओ, ठीक है, वो तो मत खाना ही होता है। Then comes vaccine. या प्रभु, vaccine वाला point पढ़ना 16। Vaccine, it is a biological preparation that provides immunity or protection against a particular disease. The body produces antibodies when a disease-carrying microbe enters it. The body also retains memory of the encounter to fight the microbe if it enters again. A vaccine consists of dead and weakened microbes, which when introduced in a healthy body, produce suitable antibodies to fight and kill themselves. These antibodies remain in the body to protect from disease causing microbes thus develop immunity. ये कोविड का वैक्सीन बन रहा है, बच्चों का नहीं बना, बच्चों को भी काम चल रहा है। बेसिकली क्या करते हैं, या तो वीक माइक्रोब होंगे या डेड होंगे, वीक कर दिया जाता है उनको, फिर आपके बॉडी में डाल देंगे। तो अब जैसी आएगी तो आपको फीवर आता है फिर उस दिन, क्योंकि पूरी बॉडी उससे फाइट कर रही है, लेकिन धीरे धीरे बॉडी से जीत जाएगी क्योंकि वीक था वो या मरा हुआ था। और आगे आगने वाले टाइम आएगा ऐसा ही एक्चुअल में अटैक होगा आपके ऊपर एक्चुअल माइक्रोब का, तो बॉडी रेडी है, उसको पता है कि हम पिछली बार मैंने बना के रखी हुई थी एंटीबॉडीज, थोड़ी तो बनी हुई है, थोड़ी हम और बना देंगे, बंदा बच जाता है। कोविड का जो वैक्सीन है उसके अंदर वीकेंड नहीं है, डेड माइक्रोस्कोप यूज हो रहा है, डेड माइक्रोब यूज हो रहा है। तुम कहो सर डेड माइक्रोब के लिए एंटीबॉडी का खाना, देखो आपकी बॉडी को इतना तो पता चल गया इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर हमें अटैक करना आएगा, हम एंटीबॉडी तैयार करते, कल को लाइव आएगा तो हम उसको मार सकते हैं। ये है, दिस इज द फिलोसफी बिहाइंड वायरस वैक्सीन। एडवर्ड जेनर ने डिस्कस किया 1798 में स्मॉल पॉक्स, क्योंकि उसने देखा था कुछ बच्चे जिनको वो माँ काम करते हैं, क्या काउज के बाद इनको हो गया पॉक्स, काउ पॉक्स हो गया, उनको बाद में स्मॉल पॉक्स नहीं होता, तो उसको चीज उसने करा। पल्स पोलियो से हो गया हमारे देश में, कह रहे हैं पल्स पोलियो हमारे देश से चला गया। ओके ये सब छोड़ देंगे, ये सब ये डिजीज विच कैन बी प्रिवेंटेड वैक्सीनेशन ऑफ पोलियो, कोलेरा, टेटनस, रेबीज, टीबी, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, डिप्थीरिया एंड पर्टूसिस। पर्टूसिस पता नहीं मुझे इन क्या देखना पड़ेगा। अच्छा जैसे अभी ये पॉइंट हमने कर लिया, और क्या फायदा है बैक्टीरिया का भाई? राइजोबियम का हमने डिस्कशन कर लिया पूरा, नाइट्रोजन फिक्सेशन हेल्प करता है। क्लीनिंग द एनवायरमेंट, ओके डेड एनिमल्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं और वो मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर दे डोंट रिमेन हार्मफुल टू अस। ओके नाइट्रोजन फिक्सिंग, ब्लू ग्रीन एल्गी का भी एक प्रॉपर्टी होती है, इट आल्सो फिक्सेस सम पार्ट ऑफ नाइट्रोजन। सर बैक्टीरिया के साथ फंगाई जो होती है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब वो भी एनवायरनमेंट को क्लीन करती है। फंगाई और नहीं, फंगाई का असर तो है नहीं, फंगाई तो क्या करती है सेप्रोफाइट्स होते हैं वो डालती है, जहां कूड़ा होता है वहीं ये बनते हैं फंगाई ज्यादातर, या फिर कूड़ा नहीं तो आपकी ब्रेड है जहां भी उसको खाने को मिलता है तो वहां वो ग्रो करते हैं, वो एक्चुअली हवा में तैरते रहते हैं, वो स्पोर बोलते हैं उनको, स्पोर तैरते रहते हैं हवा में। आपने गीली ब्रेड रखी, सूखी ब्रेड पे नहीं आएगा क्योंकि सूखी ब्रेड पे वो अपना वो डालेगा भी तो वो सूखी ब्रेड उसके काम की नहीं। हाँ ब्रेड थोड़ी सी गीली हो जाके अपना एंजाइम छोड़ेगा, थोड़ा सा एंजाइम छोड़ देगा, वो जो ब्रेड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसको खाना शुरू कर देगा और मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। हार्मफुल बैक्टीरिया, ओके चलो अभी ऐसा करते हैं, अभी इसको मैं बाद में समझा दूंगा, तो मैं मतलब पढ़ा दूंगा बाद में, अब सुन लो। देखो जो क्या होता है, ये बंदे के मुंह से खांसते वास्ते वक्त निकलते हैं, एनोफिलीज एक फीमेल होती है मलेरिया फैलाने वाली, जो कि फीमेल, ओनली फीमेल मॉस्किटो कैन डू दिस, एनोफिलीज फीमेल कैन डू इट। देन एडीज भी फीमेल मॉस्किटोज होती है, ये डेंगू फैलाती है। एक बीमारी होती है
फिलेरिया, उसके अंदर बंदे के चेहरे पे या हाथों पे व्हाइट व्हाइट पैचेस आ जाते हैं, फिलेरिया, वो ये डिजीज इन्होंने बताया कौन कम्युनिकेट कम्युनिकेट कर रहा है। तो मलेरिया मच्छर नहीं फैला रहा, मलेरिया जो हो रहा है आपकी बॉडी में वो मस्कीटो की वजह से नहीं हो रहा है, वो सिर्फ एक कैरियर है। वो क्या करता है, एक बंदे को मलेरिया है उसको काटता है, उसका ब्लड पी लिया उसने और उसके ब्लड में मिक्स हो जाता है फिर वो बैक्टीरिया, और जाके फिर दूसरे बंदे को काटा जो हेल्दी है, हेल्दी बंदे को काटेगा तो थोड़ा ब्लड अंदर चला जाएगा उसके ब्लड में, तो वो ट्रांसफर हो जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी करने वाले। ऐसे हाउस फ्लाई टाइफाइड फैलाती है, कॉलेरा फैलाती है, सैंड फ्लाई काला जार करके फीवर होता है, बुखार आता है उसको फैलाती है। तो कैसे फैलाती है, ये वाली फ्लाई जो होती है इनके पैरों में चिपकने वाला होता है, इनके जो लेग्स होते हैं ना उसमें छोटे छोटे हुक टाइप के होते हैं, तो वो बैक्टीरिया वहां चिपक जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैड पैथोजन बोलते हैं उसको, वहां चिपक जाता है, जाके आपके खाने में बैठेगी तो थोड़ा सा आपको खाने में आ जाएगा, फिर आप खा लोगे उसको आपको बीमार पड़ जाएगा। चिकन पॉक्स, रिंग वॉर्म, ये हो गया कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज कैसे होती है, एयर से होगी, गंदा पानी पीने से होगी, इन्फेक्टेड खाना खाने से होगी, इन्फेक्टेड बंदे के कपड़े टच करने से होगी, इन सब से होगी। भाई ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, कहाँ गई अपना, सब लोग ध्यान से सुनो, ये तुम लोग को याद करना पड़ेगा कौन सा डिजीज कौन कर रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। स्पेशली एनिमल्स का याद कर लेना, एनिमल्स का, प्लांट्स के भी अंदर भी होता है। ये देखो सिट्रस कैंकर होता है, जो भी सिट्रस प्लांट्स होते हैं लेमन ऑरेंज वगैरह, इनके अंदर ना ऐसे मोटे मोटे फुंसियां टाइप की हो जाती है, इसको सिट्रस कैंकर। वीट जो होता है उसके ऊपर जो येलो होना चाहिए इट बिकम्स रेडिश रेड ब्राउन, कॉल्ड रस्ट ऑफ वीट। एंड एक भिंडी का पौधा होता है ओकरा का, उसके अंदर क्या होता है, ये जो उसकी पत्तियों के ऊपर ना येलो येलो पूरी लाइन लाइन टाइप की आ जाती है, मोजैक का मतलब एक पैटर्न, तो वो वायरस की वजह से होता है। फूड पॉइजनिंग हमने देख लिया था, बात करी थी कि सिम्टम्स आ जाते हैं ये, फंगस वंगस कोई आपके पेट में चला जाए तो आपकी बॉडी फूड पॉइजनिंग से परेशान हो सकती है। मेरे ख्याल से राइट, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई कुड मैनेज टू जस्ट कवर अप दिस चैप्टर इन वन क्लास। आई थिंक आई थॉट टाइम ज्यादा लगेगा और लगता भी अगर हम ज्यादा डिटेल में जाते तो। जिया अभी के लिए इतना ही मानते हैं इसको, मैंने रिकॉर्डिंग भी नहीं करी क्या, ओ हो रही हो रही, थैंक गॉड, घबरा गया था। ओके चलो गाइज, बिफोर आई से गुड बाय टू यू गाइज, लेट मी आस्क यू एनी डाउट्स सो फार, अभिनव, जिन्होंने आज नहीं पढ़ा उनको अभी अभी क्लास में टर्न दूंगा, अभिनव, ऋत्विक, चंदेल, अर्णव, कंफर्म करो गाइज, हर्षिया, हर्षिया, हाँ बता दूंगा बीमारियों के बारे में, याद करने की ट्रिक। शिव चौधरी, तस्मिया, बताओ भैया, नो डाउट, नो डाउट, शिव चौधरी, शिव 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 की आवाज नहीं आती, पता नहीं क्या चक्कर, तो ढंग का एक माइक ले ले यार पापा को बोल के। वंश, डाउट्स, नो डाउट, चलो गाइस ऐसे गुड, आज अच्छी क्लास होगी, आज का वीडियो बन गया, ये काम आएगा, ये डिफिकल्ट चैप्टर बच्चों को परेशान करता है। चलो वी टुमारो जस्ट सेंड मी अ मैसेज व्हाट डू यू वांट टू नाउ स्टार्ट अहेड, आज साइंस को देख कर लेते, काफी साइंस कर लिया, मैसेज करना मेरे को क्योंकि क्यूब रूट वगैरह आ रहा है आप लोगों को, जो आपने बताया था वो कराएंगे। प्लीज सेंड मी अ मैसेज, ऑल वायरसेस कॉज डिजीजेस एंड आर पैरासाइट्स, सॉरी, all viruses cause diseases and are parasites, yes, see all word jahan pe aa jata hai na thoda tricky situation ho jati hai, aisa sala koi na koi ho sakta virus ho jaye jo na karta ho, but I think this is 99% correct, okay sir, parasite part is correct 100% all viruses are parasites, okay, chal, okay guys, bye 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 bye